कसरावत नगर पहुंचा विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ। विकसित भारत संकल्प यात्रा कसरावत नगर पहुंची। केंद्र सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से चलाई जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा नगर परिषद परिसर पहुंची, जहां भारत विकसित संकल्प यात्रा रथ का उद्घाटन मुख्य अतिथि सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने फीता काटकर किया गया। वहीं नगर के विकसित भारत संकल्प यात्रा में नगरवासी सहित लाभार्थी शामिल हुए। परिसर में जनकल्याणकारी योजनाओं के विभागों के स्टॉल भी लगाए गए थे। सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने अपने उद्बोधन में प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को बताया। सीआईडी न्यूज से राजेश सुल्ताने की रिपोर्ट। भारत विकसित संकल्प यात्रा देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने 2014 से लेकर 2024 तक इन 10 साल के कार्यकाल में जो संकल्प लिया था कि यहाँ पर रहने वाले ऐसे तमाम वर्ग जो विकसित भारत की श्रेणी में अभी पीछे हैं, उनको विकासशील बनाने के लिए प्रयास किया था और तमाम प्रकार की योजनाओं के माध्यम से उन्होंने काम शुरू किया। और आपने देखा है कि इन 10 सालों में अभूतपूर्व परिवर्तन, गांव में, शहर के हर वार्ड में रहने वाले ऐसे हितग्राही लोग, जिनके घर में जिनका कच्चा मकान था, जिनके पास जलाने के लिए चूल्हा नहीं था, जिनको खाने के लिए अनाज नहीं था, ऐसे तमाम प्रकार के लोगों के लिए ये सरकार की सुविधाएँ मिली है। और यह विकसित संकल्प भारत यात्रा में इस प्रकार के कैंप लगाए गए जहाँ पर इस प्रकार के छूटे हुए लोगों को उसका लाभ मिले। और जिनको लाभ मिला है, उसके लाभ मिलने के पहले उनकी क्या स्थिति थी, लाभ मिलने के बाद उनकी क्या परिवर्तन ज़िंदगी में आए हैं, ये तमाम प्रकार के अनुभव भी इस कार्यक्रम में शेयर किए जाते हैं। और निश्चित तौर पर लोगों में बड़ा विश्वास है, आत्मविश्वास है, एक विश्वास नरेंद्र मोदी जी के प्रति है कि हमारा कोई भला सोच सकता है तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी सो सकते हैं, केंद्र की सरकार सो सकती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सो सकती है, ये देखने को मिला। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी तो हर दिन समाज के बीच में जाकर उनकी सेवा कर चुनाव की तैयारी करती है और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की हम सभी सीटें चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। खबर व्यवस्था ही बने रहे सीआईडी न्यूज के साथ।